वागर्था विवशं प्रक्तो वागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। आइए इस वर्ष 14 नवंबर और 15 नवंबर के भैया दूज का व्रत को बहुत ही धूमधाम से मनाएंगे। भैया दूज का महाव्रत जो है 15 नवंबर, सभी बहनें अपने भाई की लंबी उम्र की कामना के लिए इस व्रत को रखेंगे। इस दिन व्रत का जो विधि और विधान है वो मैं आपको बताता हूँ। पान का पत्ता, सुपाड़ी और सूखा नारियल का गोला लेकर के बहन अपने भाई के घर पहुँचते हैं, भाई का तिलक करते हैं और भगवान गणपति जी से प्रार्थना करते हैं, हे गणपति जी हमारे भाई के जीवन में सुख शांति समृद्धि प्रदान करना और इन्हें लंबी उम्र प्रदान करना। और इस प्रकार से पूजन का कार्य करके बहन अपने भाई की लंबी उम्र की कामना करते हैं, जो कि इस वर्ष 15 नवंबर 2023 को मनाया जाएगा। क्योंकि बात करें भाई, जब बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र की कामना करते हैं तो भाइयों को क्या कुछ ऐसा करना चाहिए जो बहनों की लंबी उम्र रहे और साथ ही साथ उनको आशीर्वाद भी बना रहे। देखिए, भाई बहन का एक अटूट प्रेम संबंध बना रहता है। माँ के गर्भ से दोनों जन्म लेते हैं और एक दूसरे के प्रति जिस प्रकार से रक्षाबंधन का त्यौहार होता है, ठीक उसी प्रकार से भैया दूज का व्रत दीपावली के दो दिन दूसरे दिन यह व्रत मनाया जाता है। और भाई भी बहन के प्रति भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारी बहन की भी लंबी उम्र हो, जो हमारे जीवन की रक्षा सुरक्षा के लिए ऐसे पावन व्रत को कर रहे हैं। अच्छा, कुछ ऐसी भी मान्यता है कि बहनों के पास भाइयों को आना या भाइयों को बहनों के पास जाना? देखिए, इस व्रत में बहन ही भाई के पास जाते हैं। मान्यता के अनुसार बताया जाता है कि विशेष रूप से बहन भाई के यहाँ जा करके भगवान के प्रति जो कामना लेकर के जाते हैं वह कामना परिपूर्ण होता है। स्थिति और परिस्थिति के कारण कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई आने में असमर्थ है तो उन्हें जाना भी पड़ता है, लेकिन अत्यधिक रूप से सनातन धर्म पद्धति के अनुसार भैया दूज के व्रत के लिए बहन ही भाई के यहाँ जाते हैं। देखिए, हमारे यहाँ सनातन धर्म में पूजा पाठ का अलग अलग स्थान और अलग अलग महत्व बताया गया है। जैसे कि अगर हम कोई पूजा का कार्य करते हैं तो मंदिर में करते हैं तो वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति होती है, वहाँ का फल अलग है। फिर हम गौशाला में जाकर के पूजन का कार्य करते हैं, वहाँ का फल अलग है। और अगर तीर्थों में जाकर के गंगा, यमुना, सरस्वती, इस तरह पावन तीर्थों में जाकर के अगर हम किसी व्रत अनुष्ठान पूजा पाठ और यानी कि भैया दूज का व्रत भी अगर जाकर के करते हैं तो बहुत अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। बहुत अच्छा, समस्त सनातन प्रेमियों को भैया दूज की ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी बहन अपने भाइयों के लिए यह व्रत को जरूर करें। जय श्री राम।